सो ऑलराइट एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी भाई बज रहे हैं सुबह के 3:45 और वी आर ऑल सेट टू गो गाइज। बाइक का बढ़िया से वार्म अप हो चुका है। मैं जब तक रेडी हो रहा था तब तक मैंने बाइक को वार्म अप करने के लिए छोड़ दिया था। आदित्य भी आ चुका है। सो फाइनली अभी हम लोग निकलने वाले एक लोकेशन के लिए, बाकी तो टाइटल और थंबनेल से पता चल ही जाएगा। 3:49 हो रहा है भाई। सो हम लोग सोचे थे कि 4 बजे तक दुमका से निकल जाएंगे, लेट्स सी क्या होता है। जय श्री राम भाई। टोटल 4 लोग अभी हम लोग निकल रहे हैं दुमका से, मैं, आदित्य, अमित और राज। सो राज को पिक करते हैं भाई, उसके बाद फ्यूल अप करवाना है। टाइम से पहुंच गए हैं भाई। कब से रेडी हो गए थे बाहर में घूम रहे थे। अच्छा, आज से खाना पीना इसी का रहेगा। हां, तो वन के कर लिया। अरे कांग्रेचुलेशंस भाई, कांग्रेचुलेशंस, बढ़िया दिन में हुआ है। सही में पार्टी अब लेंगे आज फुल टैंक। 880 8.97 liters मेरा वाला हो गया भैया। ठीक है, सुबह सुबह बहुत दिन बाद देख रहे होगे। आई नो ऐसा गलती हम कभी कभी कर लेते हैं और गलती से आज जल्दी उड़ गए, एंड इस गलती करने के पीछे भी एक रीजन है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं पे। तो कहाँ जा रहे हैं भाई लोग? धनबाद। एंड हियर इज आवर प्रो राइडर आदित्य। सो ऑलराइट, सो फाइनली अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। सो लेट्स गो। अरे वही भाई, इतना दिन बाद फुल टैंक कराया आज ना, अलग ही वाइब है इसका। यहाँ से हमने किलोमीटर्स भी जीरो कर लिया है और हमारी राइड की शुरुआत यहीं से होती है भाई। तो भाई साहब यार, सुबह सुबह निकलने का एक अलग ही मज़ा है। प्रॉपर रोड्स वगैरह खाली देखने को मिल रहे हैं। एंड भाई सही बताइए तो बहुत दिन से एक ख्वाहिश थी कि यार एक लंबे से राइड पे निकलेंगे। नाइट राइड्स हो नहीं पा रहा था एंड सुबह सुबह उतना निकलते नहीं थे, तो डे राइड्स ही ज़्यादा हो रहा था। सो लाइट्स का भाई यूज़ नहीं हो रहा था। आज प्रॉपर देखो कि लाइट्स का क्या यूज़ है जो मैंने लगाया हुआ है। बगल में भी अमित भाई बाइक राइड कर रहा है। आदित्य को थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, उसके आंख में कीड़ा घुस गया शायद। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशंस जो मुझे लगता है दुमका में है। बातें तो बहुत सारी करनी थी। फिलहाल आपको भी रूट बता देते हैं कि कौन से रूट से जा रहे हैं। एक्चुअली धनबाद जाने के बहुत से रूट है। सो हम लोग फतेहपुर से ना हो करके अभी भाई जा रहे हैं चितला हो करके, क्योंकि फतेहपुर वाले रोड पे यार पाइपलाइंस का काम चल रहा है एंड बहुत जगह रोड कोड कर रख दिया गया है, पाइपलाइंस बिछा हुआ है। सो रात के टाइम पे यू नो थोड़ा सा अवॉइड करना ही बेटर है, सुबह होता तो चले जाते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेंगे और चितला होते हुए सीधा निकलेंगे धनबाद। सो ऑलराइट भाई, अभी बज रहे हैं 4:30 और सपालोजोड़ी अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं। रोड इतना खाली था यार, क्या मतलब ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स इन लेस देन 25 मिनट्स। सो भाई आज का जो प्लान था एक्चुअली ये बिल्कुल सडन प्लान बना है, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था जाने का कल तक, बट कल शाम में यार पता नहीं कैसे प्लान बन गया भाई लोग का कि जाना है, क्योंकि यार बहुत सारे राइडर्स आ रहे हैं। मतलब झारखंड में तो फर्स्ट ही बार हो रहा है, लेकिन राइडर्स बहुत मतलब बहुत बाहर से भी आ रहे हैं। मैंने भी सोचा कि यार क्यों ना चला जाए और देखा जाए कि कैसा यू नो फेस्ट हो रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि भाई सुपर बाइक्स आने वाले हैं बहुत सारे, तो वही तो देखना है भाई। बाद 484 किलोमीटर्स टू गो फ्रॉम हियर। ऑलमोस्ट सुबह होने को है और भाई ये जो ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन फील करने के लिए यार इतना सुबह निकले थे हम लोग आज, क्योंकि मुझे ये वाला ट्रांजिशन देखना था यार रात से सुबह होने वाला प्रॉपर, एंड आज वो दिख गया। सुबह के बज चुके हैं 5 और हमने अभी 60 किलोमीटर्स कवर कर लिया है 1 घंटे के अंदर में। मतलब ज़िंदगी में भी एक मोड़ आ चुका है, मतलब धनबाद के लिए जो मोड़ है इधर चला जाता है आपका जामतड़ा, यहाँ से लेंगे हम लोग राइट। अबे क्या, कौन सा कीड़ा था। सो इधर से हम लोग राइट लेंगे और गोविंदपुर होते हुए सीधा निकलेंगे धनबाद। सो इस वाले रास्ते से तो मैं धनबाद नहीं गया हूँ, सो फर्स्ट टाइम रहेगा भाई। ज़िंदगी में कुछ कुछ चीज़ें पहली बार होती है तो सबको अलग अलग मज़ा है भाई।
सो भाई अभी हम लोग 74 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं और भाई राइड में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये वर क्या नाम है ढाबे का, आरंभ लाइन होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट। अच्छा देख लिया ना, पूछ लेते हैं यहाँ क्या क्या मिलेगा, आने टाइम खिलाएगा ना हम लोगों। भाई इधर देखो, और 4 किलोमीटर कर लेते नॉन स्टॉप से हो जाता। 100 किलोमीटर कोई ना यार। अभी हमने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स कवर कर लिया और एक ढाबे पे जस्ट हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं। सुबह का मॉर्निंग लाइट क्या ही रहा भाई, मतलब मज़ेदार। और जस्ट अभी यहाँ से धनबाद और 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर कवर करना, अब तो आराम से जाएंगे भाई, क्योंकि आई थिंक वो इवेंट जो होगा वो 10 बजे के बाद ही होगा, 9-10 बजे। सो यहाँ पर रुके हुए हैं, लोकेशन देख लो, बाकी सबसे मिलवाते हैं। तो ये रहे हमारे भाई लोग। तो कैसा लगा भाई राइड में, मजा आया कि नहीं? कंटिन्यू और करने वाले हैं, कुछ कुछ जगह तो वाइब्रेशन फील हुआ होगा। चलो चाय पीते हैं, चाय का मजा लेते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू। सो ऑलराइट भाई, हमारा टी ब्रेक खत्म हो चुका है, थोड़ा लंबा ब्रेक था, आराम भी हो गया। सो ऑलमोस्ट और यहाँ से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है बाकी। यार चाय पी के तो मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है। साथ में यार बिस्किट वगैरह भी खाया, बट इतने सुबह ऐसे उठने का आदत नहीं है तो थोड़ा भूख सा लग रहा है। सो जितने जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे यार कुछ खाया जाएगा, क्योंकि पेट पूजा सबसे पहले भाई। अजीब सा चीज़ देखने को मिल रहा है, ये देखो इधर बारिश, ये रहा धूप, और ये रहे हम लोग बीच में। नहीं था, हम लोग सोच रहे थे कि कितने लोग आएंगे, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, बट ये कुछ लाइक जेन्युइनली थम्स अप।